पहले एलपीजी गैस सिलेंडर में 50 रुपए की बढ़ोतरी और अब पेट्रोल डीजल के दामों में बढ़ोतरी। लगातार दामों के बढ़ने से अब एक बार फिर से मोदी सरकार और बीजेपी की सरकार टारगेट बन चुकी है। जी हां, आज हम आपको दिखाने जा रहे हैं कुछ ऐसे ट्वीट्स जो सेलिब्रिटी कांग्रेस की सरकार के दौरान किया करते थे। अब हम आपको दिखाने जा रहे हैं सबसे पहले अमिताभ बच्चन का ये ट्वीट। अमिताभ बच्चन ने लिखा था वो भी 2012 में कि पेट्रोल 7.5 रुपए महंगा हो गया है। तो पेट्रोल पंप वाला कहता है कितने का डालूं, तो मुंबईकर कहता है 2-4 रुपए का कार के ऊपर स्प्रे करते भाई, जलाना है। तो देखा आपने कि किस तरीके से 2012 में अमिताभ बच्चन इस तरीके का ट्वीट करते थे। वहीं कश्मीरी फाइल्स के डायरेक्टर विवेक रंजन अग्निहोत्री 2011 में लिखते थे पेट्रोल बढ़ाने के पीछे आइडिया कांग्रेस का ये है कि अब वो बाइसिकल यानी कि साइकिल के सेक्टर को खूब आगे बढ़ाना चाहते हैं। वहीं अक्षय कुमार लिखते हैं गाइस अब मैं सोचता हूं कि अपनी अपनी साइकिल को साफ कर लूं और रोड पर उतार लूं। अब लगता है कि पेट्रोल प्राइस और बढ़ने वाला है। ये अक्षय कुमार का 2012 का ट्वीट है। 2012 के ट्वीट की बात करें तो अनुपम खेर जी लिखते हैं कि जब मैंने अपने ड्राइवर से पूछा कि तुम लेट क्यों हो गए, तो उसने बोला कि मैं साइकिल से आया हूं। मैंने पूछा कि मोटरसाइकिल को क्या हो गया, तो उसने रिप्लाई दिया कि सर मैं उसको अपने घर पर रख कर आया हूं शोपीस बनाकर। अब आप देख सकते हैं कि अनुपम खेर और तमाम ऐसे सेलिब्रिटीज पेट्रोल और डीजल के बढ़े हुए दामों पर किस तरीके से जोक मार रहे हैं, लेकिन आज इन किसी का भी ट्वीट दिखाई नहीं पड़ता, जो कि वाकई एक चिंता की बात भी है। इसको लेकर आम आदमी भी काफी ज्यादा ट्विटर पर एक्टिव दिखे और अपनी अपनी बातें कहनी शुरू कर दी। एक यूजर ने लिखा अब विवेक अग्निहोत्री द कश्मीरी फाइल्स की कमाई पेट्रोल डीजल की सब्सिडी भरना चाहिए, क्यों विवेक अग्निहोत्री करोगे ना। इसके बाद एक और यूजर ने लिखा वो दिन भी क्या दिन थे, गवर्नमेंट को भी कोई क्रिटिसाइज कर सकता है, अब डर लगता है। तो देखा आपने कि किस तरीके से हमने आपको पुराने 2011 और 12 के भी ट्वीट्स दिखाए, लेकिन आज के ट्वीट जब पेट्रोल डीजल और एलपीजी के दाम बढ़ रहे हैं तो वो देखने को नहीं मिल रहा है।